अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल सूफियाना पुलाव। और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये हमने 1 kg मटन लिए है, जिसको हमने क्लीन करके अच्छे से साफ करके रख दिए हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या सामान पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ। ये हमने काजू लिए है जो हमें अभी पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। और ये तेज पत्ता है जो हमारे तड़के के लिए लगेगा। और ये मैंने 3 प्याज ली हूँ जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर दी हूँ। और ये नमक टेस्ट के हिसाब से लिए है। और ये हमने धनिया अक्खी धनिया लिए है 2 चम्मच और सौंफ हमने लिए 2 चम्मच। और ये हमने सारे खड़े मसाले लिए है जिसमें लौंग इलायची दालचीनी फूल और इसमें हमने स्टार फूल भी लिए हैं जो हमें अभी तेल में ऐड करने के लिए लगेगा। और ये हमने कोथमीर लिए है गार्निशिंग के लिए और दही हमने लिए 1 बॉल भर के, यानी कि ये 1/2 किलो दही है। और ये हमने इसके अंदर जो ग्रीन मसाले लगने वाले हैं ये लहसुन और अदरक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। इसलिए आपको जितनी हरी मिर्ची चाहिए उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये हम 1 kg का बनाने जा रहे हैं, 1 kg के हिसाब से इतना सामान लगता है। और ये अमूल फ्रेश क्रीम है जो हमें वाइट सूफियाना पुलाव बनाने के लिए खासकर लगेगा। और ये हमने 1 kg बासमती राइस लिए हैं जो हमें पुलाव के लिए लगेगा। अब मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए गाइस, ये हम अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमने सौंफ और अक्खा धनिया जो लिए थे अक्खा, उसको हमने एक पाउडर बना लिए है। ये पाउडर इसके अंदर पूरा जाएगा। फिर इसके बाद हम जो नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, आपको कितना नमक चाहिए नमक आप इतने हिसाब से लीजिएगा। हम इतना पूरा ले लेंगे और इसमें हम दही ऐड कर देंगे, ये पूरी दही जाएगी इसके अंदर। और ये जो हमने मसाला लिए थे अदरक लहसुन और जो मिर्ची, ये भी हमारा ये इसके अंदर पूरा ही जाएगा। इसको इसके अंदर डाल के पूरी तरीके से, और जो हमने फ्रेश क्रीम लिए थे वो तकरीबन हमें इतना डालना है, ये 1 कटोरी बस, ये इतना ऐड करना है। ऐड करके इसको हमें रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। देखिए बाकी इसके अंदर कोई भी अलग से कोई दूसरा मसाला नहीं जाएगा। ये वाइट सूफियाना पुलाव है, इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए इसको हमने अच्छे से मैरिनेट करना है। इसको हमने मैरिनेट कर दी है अच्छे से, और मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि पुलाव किस तरह से रेडी करेंगे। देखिए गाइस, आप जिस तरह से पुलाव बनाते हैं यखनी बनाकर, इसमें यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सबसे पहले हम जो ये सब मसाले ऐड करेंगे, प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद जो हमने हमारा जो मसाला जो रेडी मैरिनेट करे थे मटन का, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हमने देखो एक कुकर में तेल डाल दिए है अच्छे से, हमारा तेल अच्छी तरीके से हल्का हुआ। मैंने आपको जीरा बताना भूल गई थी, ये मैंने एक कमर जीरा ली हूँ, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो ये तेज पत्ते हैं वो डाल देंगे। और ये जो हमारे खड़े मसाले जो लिए थे ये पूरे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसमें टमाटर नहीं पड़ता है क्योंकि ये हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। अच्छे से ऐड कर दिए हैं। और इसी में हम जो हमारे जो प्याज है वो हम पूरे ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज हमने ये पूरे ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ वाइट हल्का रहना चाहिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। इसको हम अच्छे से तेल में पका लेंगे प्याज को। फिर उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करके इसको रख देंगे गोल को उबलने के लिए। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, कम पानी में। अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पक जाए तेल में। देखिए गाइस, ये हमारे प्याज अच्छी तरीके से पक गए, हमें इसी तरीके से चाहिए, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गोल्डन ब्राउन करेंगे तो हमारा जो ये पुलाव है जो प्रॉपर हमें सूफियाना टाइप बनाना है वो नहीं बनेगा। ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसके अंदर जो हमने जो मसाला मैरिनेट करके रखे थे मटन का, ये पूरा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इसके अंदर ऐड करके हम अच्छे से मसाला भूंज लेंगे। और इसमें हम इतना ही पानी डालेंगे जितना हमें कि जितना हमारा मटन जो है गल जाए। देखिए इसमें हल्दी या लाल मिर्ची पाउडर कुछ भी ऐड मत करिएगा, ना ही गरम मसाला पिसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसाले डाले हैं। तो ये हो गया, इसको हम थोड़ा 5 मिनट के रखेंगे पकने के लिए ताकि मसाला पक जाए। फिर इसके अंदर हम पानी डाल के, पानी हम उतना ही लेंगे जितना अभी हमने जिसमें मसाला मैरिनेट किए थे उतना ही इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। देखिए ताकि हमारा मसाला मटन अच्छे से पक जाए, बस इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। देखिए गाइस हमारा मसाला अच्छी तरीके से देखिए भून गया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे अच्छे से पकने के लिए। पानी इतना ही डालिएगा, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि हमें सालन नहीं करना ही है। देखिए ये हो गया अच्छे से, इसको हम रख देंगे सीटी लगाकर यानी ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 सीटी आने तक। फिर आगे हम आपको पुलाव का बताते हैं कि चावल हमें किस तरीके से ऐड करना है। देखिए गाइस ये हमारा मटन रेडी हो गया है अच्छे से, पूरा उबल गया है। हमें एकदम से नहीं उबालना है, बस एक थोड़ा सा भी अगर अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें दम पे भी रखना रहेगा इसको। देखो ये अच्छी तरीके से हो गया है। अब हमने एक पतीले में देखिए यहाँ पर हल्का सा 1 चम्मच तेल डाले थे और उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिए थे। अब हम जो ये हमारा ये जो है चिकन की मटन की ग्रेवी, अब हम इसके अंदर पूरा पलट देंगे, अच्छी तरीके से इसको पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमने जो चावल रखे थे हमारे भीगने के लिए, वो हमारे चावल भी अच्छी तरीके से भीग गए। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। पानी अभी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ग्रेवी है। हम इसके अंदर चावल पूरा ऐड कर देंगे और जिस तरह से हम पुलाव रखते हैं बनने के लिए, उसी तरीके से सेम उसको हम रख देंगे बनने के लिए। फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि हमारा पुलाव सुफियाना पुलाव कैसा बना है। देखिए गाइस हमने इसके अंदर चावल में देखो पानी भी मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद हमने जो काजू रखे थे, काजू का पेस्ट बना लिए थे हमने। अब इसको हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे ताकि अभी जो हमारे जो पुलाव में टेस्ट अच्छे से आ जाए। और इसको हम रख देंगे अच्छे से दम लगने के लिए यानी अच्छे तरीके से पकने के लिए। इसको ज़्यादा चला चला नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो चावल है पूरा गल जाएंगे। इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। फिर बाद में मैं आपको लास्ट में फाइनल लुक बता दूँ कि हमारा पुलाव कैसा बना है। देखिए गाइस हमारा ये वाइट सुफियाना मटन पुलाव बनकर रेडी हो गया, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो कि जल्दी बन जाती है। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से एक बार बनाकर देखिएगा और बनाकर प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।